जैसा कि आप सभी लोगों को विदित भी है कि आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और जो अभी तक सूचनाएं मिली हैं हम लोगों को, वहाँ की जनता ने बड़े जोश के साथ मतदान में भाग लिया और उनके रुख को देखते हुए उनका जो आत्मविश्वास कांग्रेस में है, उसकी जिसकी भनक हम लोगों को ज़मीन पे वहाँ दिखी है, जो हम लोगों ने महसूस किया है, हम हिमाचल की जनता को उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि दोबारा वो कांग्रेस की सरकार को हिमाचल में लाने के लिए उन्होंने आज मतदान किया। मैं आप लोगों का ध्यान उस वर्तमान समय में देश की जो चर्चित विषय है उसमें से कुछ एक पे आकर्षित करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जैसा मीडिया में देखा भी होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते खूब हैं और बोलने का कोई माध्यम भी नहीं छोड़ते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उपदेशात्मक भाषा काफ़ी होती है उसमें, और उस उपदेशात्मक भाषा में परनिंदा और आत्मप्रशंसा का पूरा पुट उसमें रहता है। और वो ये बार बार ये भी बोलते हैं कि ना हम खाने देंगे और ना हम खाएंगे, लेकिन अभी आजकल में आपने मीडिया में देखा है कि एक और नाम जुड़ा है भ्रष्टाचार की, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सेवी ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है, कुछ मेल प्रैक्टिस उनकी कोई कंपनी थी, उस कंपनी के द्वारा जो कुछ मेल प्रैक्टिसेस की गई थी उसमें 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अब चूँकि उपदेशात्मक बोलते हैं, इतनी बातें करते हैं और भ्रष्टाचार पे काफ़ी प्रहार की बात करते हैं, लेकिन जब दुनिया जिसे भ्रष्टाचार कहती है और वही जब बीजेपी में वो भ्रष्टाचार आता है या बीजेपी के द्वारा जब वो भ्रष्टाचार होता है तो बीजेपी के लोग उसे शिष्टाचार मानने लगते हैं। जो सबके लिए भ्रष्टाचार है वो बीजेपी के लिए शिष्टाचार बनता जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हुकूमत में। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई मुख्यमंत्रियों का जिक्र है, मैं लंबी फहरिस्त है मैं नहीं करना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्रियों की फहरिस्त है, तमाम उनके और मंत्रियों की फहरिस्त है, उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों की फहरिस्त है, सब विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन अपने इन वरिष्ठ नेताओं के भ्रष्टाचार पे माननीय मोदी जी खामोश रहते हैं। देश जानना चाहता है, उनसे अपेक्षा रखता है कि जो आप बोलते हैं, प्रधानमंत्री की बात का एक गरिमा होती है, एक वजन होता है, जिसे मनसा वाचा करुणा कहते हैं, वो तीनों में मेल खाना चाहिए, लेकिन अपने लोगों पे जो भ्रष्टाचार होता है उस पे वो खामोश हो जाते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गुजरात के, उनकी एक परिवार की कंपनी है सारंग केमिकल्स लिमिटेड, ये बनाती तो केमिकल है लेकिन कौन सा केमिकल बनाती है कि ये अपने शेयर्स को इतना तेज बूस्ट कर देते हैं और उस शेयर्स को वैल्यूज़ बढ़ा करके, इन हाउस ट्रेडिंग करके वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, जिसमें सेबी ने दोषी पाया और 15 लाख रुपए उन पर जुर्माना किया। और आज करीब करीब एक हफ्ते होने जा रहे हैं जब ये सेबी का जजमेंट फैसला आया, इनके खिलाफ पेनाल्टी लगी और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं,
और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अभी गुजरात में हैं, जिनकी सरकार है, जो सरकार चुनाव में जा रही है, उसके मुखिया पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आरोप लगे, पेनाल्टी भी लग गई, प्रूफ भी हो गया, कुछ अब शेष नहीं बचा है कहने को शेष यदि बचा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से बचा है कि वो इस पे क्या रुख रखते हैं। क्या ऐसे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर एक संवैधानिक संस्था ने मेल प्रैक्टिस की इतनी लंबी जांच के बाद आरोप तय किए और पेनाल्टी लगा दी, ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या वो गुजरात का चुनाव लड़ना चाहते हैं? उनको स्पष्ट कहना चाहिए कि हम इन दागी मुख्यमंत्री जिनके ऊपर पेनल्टी लगी है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। सेबी के इस फैसले पे उन्हें कुछ कहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि ये लोग हमेशा राजनीति में शुचिता और सफाई की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये जीरो टॉलरेंस अपने ऊपर जब आती है बात तो भी देश अपेक्षा करता है और समूचा राजनीतिक दल भी अपेक्षा करता है कि वो जीरो टॉलरेंस की बात अपने यहाँ होने वाली ये घटित घटनाओं पे भी दर्शाएं। कांग्रेस पार्टी अपेक्षा रखती है और मांग भी करती है कि माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री जी तत्काल त्यागपत्र दें, क्योंकि उनके खिलाफ सेबी का जजमेंट आ चुका है। यदि वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर उनमें उनकी बातों में और उनके कथनी करने में अंतर नहीं है तो उन्हें ये कदम उठा के दिखाना चाहिए और गुजरात की जनता और देश की जनता से ये कहना चाहिए, देखिए मेरे कथने और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अतीत की जो बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें करप्शन के दाग ही दाग इनके तमाम मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के मंत्रियों पर लगे हैं, उस कड़ी में एक कड़ी और ये जुड़ जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों को ये विश्वास है कि गुजरात की महान जनता, बापू और पटेल की घर की जनता, उनके जहाँ से ये गौरव हमें देश को मिले थे, वहाँ की महान जनता ऐसे मुख्यमंत्री को तो अपना अगला मुख्यमंत्री कतई देखना पसंद नहीं करेगी। हालांकि वो तय कर चुकी है गुजरात की जनता की कांग्रेस की सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को तो किसी भी कीमत पे और देर तक देखना पसंद नहीं करेगी। बार बार बहुत सी बातें और भी कही गई थी। गुजरात में, गुजरात के बाहर इन्होंने कहा था कि बेटा बेटी उस पे तमाम बातें भी कही थी इन्होंने, लेकिन आप चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात के एक सीएम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सब के मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी खूब खा रहे हैं और खूब ठीक से खा रहे हैं। जैसा अभी माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर्टसी अप्लाई ओनली फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ बीजेपी, ये सटीक बैठता है इन लोगों के ऊपर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शहजादे जी तो 52,000 से 50,000 से 82,000 करोड़ बना लेते हैं, सौर शाह जी बना लेते हैं, रूपानी जी बना लेते हैं, और इन तमाम इतनी बड़ी घटनाओं पे, इतने ओपनली किए गए करप्शन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो छोटी छोटी बातों पे भी मुखर हैं बोलने के लिए बोलते हैं, इस पे खामोश रहते हैं। ये दोहरा अस्तर माननीय मोदी जी अब बंद करें, क्योंकि जनता काफ़ी पहचान चुकी है और अगर ये करप्शन को अपने यहाँ भी
उसी चश्मे से देखें जैसे और जगहों के करप्शन को देखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर भी होगा और देश हित में भी होगा। और जो हमारे देश में करप्शन को इन लोगों के संरक्षण में बढ़ावा देने का जो प्रचलन चल रहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक अपने दल में हैं, बीजेपी की रूलिंग पार्टी के दल में हैं, हम अगर कोई करप्शन करते हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह जो विश्वास बीजेपी के अंदर बना है वो अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो ये देश की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। 4 साल हो गए, अभी तक आप मौन रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि करप्शन पे अपनी बातों को आप दिखावें और जो आप कहते रहे हैं उसको करके दिखावें। जी हाँ, बलिया के हैं। जी 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 तो क्या माननीय मोदी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वो अगर बनते हैं जैसा आप कह रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में हैं, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार यदि कोई गलत कर रही है और गलत को प्रश्रय दे रही है तो हम खामोश नहीं रह सकते। जितने भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उस तरीकों के तहत हमें बात उठाने और उनको मजबूर करने का हमारा धर्म बनता है। वो ढीठ हो जाएं, वो हमारी बात ना सुने, लेकिन एक दिन जनता जरूर इस पे गौर करेगी और गौर करने का समय जब आता है जनता को तो गौर करती है। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा अगर मेरी जो जायज बातें हैं, जो समाज देश सब जान रहा है, और उस पे अगर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो। आपने Siddaramaiah ji is one of the most seasoned politician. His assertion, उन्होंने जो कहा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स के अधिकारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स को पिट्ठू बना, लोगों की निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा बदलवाने का षड्यंत्र करती है, इसका पर्दाफाश कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने किया। गुजरात चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के हार सामने खड़ी थी तो गुजरात चुनाव के बीच में कर्नाटक जाकर एक वरिष्ठ मंत्री के यहाँ रेड करवाना, उस स्थान पर जहाँ गुजरात के विधायक खरीद फरोख्त से अलग होने के लिए और ईमानदारी से अपना मतदान करने के लिए गए थे, उस प्रिमिसेस पर रेड करवाना और फिर इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा दबाव डलवाना, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एजेंसियों को पिट्ठू बनाकर राजनीतिक निष्ठा बदलवाने के षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं आपको याद दिलाऊं, गुजरात चुनाव के बीच में ही कांग्रेस के एक नहीं, और मैं स्वयं वहां मौजूद था, 4-4 विधायकों ने सामने आकर यह बताया था कि 10-10 करोड़ में कांग्रेस के विधायकों की निष्ठा खरीदने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने तब भी एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से की थी। जिस प्रकार से उसके बाद भी कई और साथियों ने बताया जो पाटीदार आंदोलन का हिस्सा हैं,
कि कैसे करोड़ों रुपए की पेशकश दे गुजरात में संगठनों की निष्ठा तक खरीदने का कुत्सित और घिनौना प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, ये आपके सामने है। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज का भी अब इस्तेमाल मंत्रियों और विधायकों की निष्ठा खरीदने के लिए, इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और ये दर्शाता है कि भाजपा, वो सीबीआई हो, कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो ईडी हो, जो एक तरह से भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और इनकम टैक्स हो, उनका कैसे दुरुपयोग करती है। यू वॉन्टेड टू आस्क समथिंग, वाई डोंट बी यू आर आस्किंग समथिंग एल्स अर्लियर। देखिए, गुजरात की ये चुनाव गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग एक तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। और ये जो भिन्न भिन्न नारे आप सरकार के खिलाफ देख रहे हैं, चाहे वो सूरत और राजकोट के व्यापारियों ने लिखवा लिया बिलों पर कमल का फूल हमारी भूल, कांग्रेस ने थोड़ी छपवाया, वो बिल जब काटते हैं तो बिल के नीचे लिखते हैं कमल का फूल हमारी भूल। जब गुजरात के लोग कहते हैं गुजराती में विकास पागल हो गया, क्योंकि विकास नाम की कोई चीज़ गुजरात में 22 साल के बाद उन्हें नज़र नहीं आती, तो ये 6.5 करोड़ गुजरातियों की अस्मिता, स्वाभिमान और सरकार से जवाबदेही मांगने का तरीका है। और ऐसे में ही अगर गुजरात के लोग स्वयं इस प्रकार की जवाबदेही पोस्टर या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर गुजरात की भाजपा सरकार से मांग रही है तो जवाब उनको देना है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का समर्थन जवाबदेही की इस मुहिम के साथ खड़ा है। एक पुराना स्लोगन है जो तिवाड़ी जी लगाया करते थे, पहले ज़रूर पूछ ही लीजिएगा, और वो स्लोगन है, कभी तिवाड़ी जी से पूछेंगे तो बताएंगे, कि जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है कांग्रेस के लिए। ठीक है, कभी कभी निष्ठाएं बदलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आजकल निष्ठाएं बदलने का ज़माना बड़ी तेज़ी से चल रहा है। पर आपने एक गंभीर प्रश्न पूछा, और वो है जो दिल्ली में जहर का धुआं फैला हुआ है उसको लेकर, और मैं उसका मजाक या उपहास के नज़रिए से नहीं, गंभीरता से उसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए अगर कोई जुम्मेवार हैं तो वो दो सरकारें हैं, पहली केंद्र की सरकार मोदी सरकार, और दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल सरकार। आप किसी दूसरे के सर ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही और जुम्मेवारी से नहीं बच सकते। क्या मोदी जी बताएंगे कि 41 महीने में पेरिस में जाके तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पर जब दिल्ली में राजधानी में जहरीला धुआं है तो वो क्लाइमेट चेंज उनको यहां नजर नहीं आता? तो इसलिए ये भी बता दें इस देशवासियों को कि वो क्लाइमेट चेंज जो पेरिस में वो लागू करना चाहते हैं वो दिल्ली में कब लागू करेंगे। और केजरीवाल जी की सरकार हो या मोदी सरकार, वो किसानों पर, किसी और व्यक्ति विशेष समूह या सरकारों पर उनके सर ठीकरा फोड़ अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। क्या कदम नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय सरकार ने उठाए कि दिल्ली के चारों तरफ
मेहनत कश किसान को जो पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करता है, वो कभी अपनी धरती के अंदर स्टबल जलाने के लिए आग ना लगाए। क्या आपने उसे इंसेंटिवाइज किया? क्या आपने इन प्रांतों को विशेष मशीन उपलब्ध करवाई जो उनको रोल कर देती हैं और फिर डिस्पोज करती हैं? क्या मोदी जी और केजरीवाल जी को ये मालूम भी है कि वो स्टबल अगर खेत के अंदर फेंक दिया जाए तो अगली फसल पैदा नहीं हो सकती? और कोई किसान स्वेच्छा से अपने खेत में आग नहीं लगाता। तो आपको एक 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 पॉलिसी प्लानिंग पैरामीटर्स और उसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था, और यह इंतजाम 6 महीने पहले होना चाहिए था। दूसरा, दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द पोल्यूशन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे कदम उठाए। यूपीए की सरकार की आलोचना भी की जाती थी कि दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनना है हमने नहीं बनाया। अब तो 41 महीने से आपकी सरकार है, आप तो कहते हो मैं 30 किलोमीटर या 52 किलोमीटर हर रोज सड़क बनाता हूं, तो 41 महीने में 52 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं गिनूं तो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बनानी चाहिए थी, पर आप 300 किलोमीटर का पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बना पा रहे? और दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन है हो रही, उसको लेकर आपने क्या रोकथाम की, क्या कदम उठाए? और दिल्ली के चारों तरफ जो व्हीकलर पोल्यूशन है, उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए? और दूरगामी नीति क्या है? किस प्रकार से हम अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, यहाँ के नागरिकों को और पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस सारे इलाके के नागरिकों को एक साफ सुथरा वातावरण दे पाएंगे? इसलिए ठीकरा फोड़ना बंद करिए, कुछ काम करके दिखाइए। यस, कैन आई कम बैक टू यू आफ्टर आई टेक मनोज क्वेश्चन? ओके, yes manoj ji, I will answer that, but to reiterate what my colleague and seasoned friend had said, in case of Shri Vijay Rupani, the chief minister of Gujarat, these are not allegations. He was given due, we have released the order of the SEBI, which will be on your email. It's a longish order and you'll find it there, which has been just passed. He was given repeated opportunity by Securities Exchange Board of India. He refused to reply a couple of times. Then the chief minister said that he is on bed rest for 6 months. Very interesting. The chief minister of Gujarat says to SEBI, he is on bed rest. Does not reply for close to a dozen weeks. And finally refuses to reply altogether. After due notices and a proceeding that has gone on for a few years, I think close to 2 years, if I'm right, the SEBI has proceeded to indict him. So it's an indictment. It's not an allegation. And what is the indictment? That Shri Rupani's HUF, Rupani HUF, was trying to, within itself, sell and purchase shares of Sarang Chemicals. We all know that is how, and SEBI has gone a step further, and they said it was being done to ensure that the trading volume of the company shares goes to an extent whereby private investors find that this company is very high volume trading company, making them invest their hard earned money into the company, consequently making the company earn profit from the enhanced value of shares. And here we have gone a step further. There is one more firm of the family, which my friend has released in his statement. And that is Rasik Lal and Sons. That's again a share trading firm owned by Mr. Rupani. Was insider trading being done? Was profits being circulated? What is the connection of Mr. Rupani to Sarang Chemicals?
What kind of consideration or monies were being exchanged? What kind of profits were being made? SEBI has looked at one aspect, but it is actually a criminal offense also. For he was a public servant, even in 2011, he was a Rajya Sabha MP of BJP, from where now Amit Shah has been elected. And he continues to be chief minister when the indictment comes. Does such a person have right for a minute to continue in public office? Is first question. Allegations can be free, but these are not allegations. We have come to you after an indictment has taken place. An indictment of gigantic proportions convicting a sitting chief minister of malfeasance or malpractices, if I may use that word, in share trading. I don't think so. In recent history, there has been a stronger case of malpractices conducted by HUF of a chief minister directly linked to him. And as qua our leaders in Kerala are concerned, including Mr. Chandy, we have always said that LDF came to power on completely false and baseless allegations. Mr. Chandy and all other leaders named therein are more than willing to face any trial. We have no hesitation. They can proceed to have any fair trial in any court, and Mr. Chandy and all other Congress leaders will face so. However, Mr. Chandy's integrity, and you happen to have a connection to the state, has been beyond doubt. People of Kerala have sworn by the integrity, capacity, honesty and integrity of Mr. Oman Chandy, the only chief minister in India who put a video camera in his chamber so that the entire Kerala could watch and see what was happening in chief minister's chamber all through the day. The only chief minister in India. The only chief minister who transformed the state. Yes, it is a swing state where we lost power. But as far as integrity of Shri Oman Chandy and his government were concerned, as far as his honesty and sincerity of purpose was concerned, no person in Kerala has ever doubted it. If anybody levels allegations, we welcome it, no problem. We will face a trial and we will prove that we are innocent. That's exactly what I'm saying, my friend. Mr. Oman Chandy and anybody else or any other Congress leader, multitude of Congress leaders across India have been persecuted and prosecuted falsely. We have never said no to facing a trial in a court of law. And what has happened in Kerala has happened. Why was the report detained for so long? There is no answer that the LDF government has. Now that they have tabled the report, we reject the report in toto. But in the interest of fair play and justice, we will face any trial that will take place. Mr. Oman Chandy and all Congress leaders will prove their innocence, and I'm sure that the conspiracy of LDF would stand exposed. You raise a very relevant question. We have seen the report. Gujarat State Petroleum Corporation's malfeasance scam of 20,000 crore was exposed by CAG. We are examining the documents in detail, and within the next 24 hours, we'll make a comprehensive comment. However, the malpractices which have now been placed in public domain is one more instance
ऑफ मोदी मॉडल ऑफ मेल प्रैक्टिसेस परपेचुएटेड एंड प्रमोटेड थ्रू मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इन एंटिटीज लाइक जीएसपीसी या जीएस या सो वी विल बी वेरी सून मेकिंग ए मोर डिटेल्ड कॉमेंट वी आर एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स Absolutely no objection whatsoever. We will be more than happy, but the initiative, may I say, Mr. Kejriwal is more than, we are more than welcome to meet up with Captain Amrinder Singh ji or with anybody else. However, as I said, the responsibility has to be shared between Prime Minister Modi and Mr. Kejriwal. They need to, meetings can be photo ops. We need to go travel beyond photo ops and optics into real action, into protecting our environment. And I listed some of them in answer to another question a little while ago. Any other related to it, so that I'll answer in one. दिल्ली में जो जहरीली हवा फैली है उसने ना केवल पूरे पर्यावरण को और वातावरण को दूषित किया है परंतु वर्तमान और भविष्य उन दोनों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी गहन चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण की इस त्रासदी का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार को ठोस और दूरगामी कदम उठाने का अनुग्रह करती है, अनुरोध करती है. केवल दूसरे व्यक्ति के या समूह या सरकार के या पड़ोसी राज्यों के सर ठीकरा फोड़कर पर्यावरण नहीं बदल जाएगा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पेरिस जाकर क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन्हें दिल्ली का जहरीला धुआं नजर नहीं आता? प्रधानमंत्री जो बड़बोले भाषण वातावरण की सफाई और सादगी का देते हैं, क्या उन्हें दिल्ली में फैला हुआ जहर के बादल जो हमारे भविष्य और वर्तमान दोनों पर मंडरा रहे हैं वो नजर नहीं आते? क्या मोदी जी बताएंगे कि 41 महीने में उन्होंने क्या वो ठोस कदम उठाए हैं ताकि दिल्ली में इस प्रकार का वातावरण और जहरीला धुआं और बादल पैदा ना हो? केवल पड़ोसी राज्यों पर या किसानों पर ठीकरा फोड़ देने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा. क्या वो दूरगामी कदम हैं जो केंद्रीय सरकार ने एक पैकेज की शक्ल में स्टबल जलाने वाले किसानों के लिए उठाए? किस प्रकार की आर्थिक राहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन सारे राज्यों के किसानों को देगी ताकि उन्हें अपने खुद के खेत में आग लगाने की नौबत आए ही ना? क्या वो इस सारे स्टबल को बिजली बनाने में इस्तेमाल करने के लिए इन प्रांतों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको पता है कि वो चाहे गेहूं का स्टबल हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो कपास का हो, चाहे वो किसी अन्य फसल का हो, उससे बिजली का उत्पादन हो सकता है, गांव ग्रामीण को लाभ भी होगा और किसान को आय भी होगी और समस्या का हल भी निकल जाएगा. परंतु 41 महीने में दुर्भाग्य से ना केंद्रीय सरकार ने और ना दिल्ली की सरकार ने ऐसा कोई सुझाव दिया. क्या मोदी जी और केजरीवाल जी देश को ये भी बताएंगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, लगभग 43% से अधिक वाहनों की पोल्यूशन है
उस वाहनों की पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या दूरगामी कदम, क्या मौजूदा कदम, क्या भूतकाल में कदम उठाए गए हैं? क्या ये भी बताएंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 28 से 30% वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है, जो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनसे आता है, क्योंकि धूल के कण आसमान में फैल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ पोल्यूशन ना हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने वो क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि दो प्रांतीय सरकारें भाजपा की हैं और एक आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली में केंद्र की सरकार है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ साथ, व्हीकलर पोल्यूशन के साथ साथ और किसान को इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ, जो दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने थे ताकि वाहन दिल्ली में आए ही ना, वो बाहर की बाहर एक्सप्रेसवे के माध्यम से निकल जाए। 41 महीने से उनकी सरकार है, एक भी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पूरा नहीं हुआ। एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तो बीजेपी के सांसद की कंपनी बना रही है, चेक कर लेंगे तो बता देंगे, उनका बहुत बड़ा और समूह भी है। तो क्यों पूरा नहीं हो रहा, क्यों वो डेडलाइन टूटती जा रही है? आप तो कहते हैं हम 52 किलोमीटर सड़क हर रोज बनाते हैं, तो 41 महीनों को अगर आप 52 किलोमीटर से गुना करें तो 25,000 किलोमीटर तो आपको दिल्ली के चारों तरफ बना देनी चाहिए। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई 190 किलोमीटर है, तो 190 किलोमीटर आप बना क्यों नहीं पाए? वो भी तब जब यूपीए सरकार में इन पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का 70% हिस्सा संपूर्ण हो गया था। इन सब बातों का जवाब देना चाहिए बजाय एक दूसरे के सर ठीकड़ा फोड़ने के। किसान अपराधी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री नरेंद्र मोदी के लिए किसान अपराधी होगा, उनके लिए किसान अपराध करता होगा। कोई किसान, कोई व्यक्ति, कोई मेहनतकश आदमी जो देश का अन्नदाता हो अपने घर को आग नहीं लगाता। साहब मैं पिछले सवाल का जवाब दे दूं, और मेरा नाम रणदीप है, इनका नाम अखिलेश है। कोई व्यक्ति अपने घर को आग नहीं लगाता। अगर श्री मनोहर लाल खट्टर को या नरेंद्र मोदी जी को देश का किसान अपराधी नजर आता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। अब आप पूछिए। जी बताएं। जी जी अच्छा हाँ जी जी देखिए वो जहाँ तक नहीं, ऐसा नहीं है, ये कल की घटना है, हम लोग को आज जानकारी हुई है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके टच में है, चूंकि एक अदालत का प्रकरण है और हाजिर न होने के कारण जो अदालत से गैर जमानती वारंट होते हैं उस प्रक्रिया के तहत उनको पुलिस ने डिटेन किया है, और जो उस कोर्ट का मामला है उसमें जिस प्रकार से और भी स्थानीय स्तर पे हम लोग जो भी मदद हो सकती करेंगे। क्या तो देखिए ये दोनों दो प्रकरण हैं, एक तो नॉन वेलेबल वारंट जो था वो दूसरा प्रकरण, ना हाजिर होने का था, ये दूसरा प्रकरण है। अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जहां दरवाजे हैं वहां पर उन्हें इसकी अपील या उसकी कंप्लेंट या वहां संपर्क करना चाहिए। थैंक यू।